जीतने वालों को मेरा सलाम। छोटी उम्र में किरण बेदी टेनिस को लेकर बहुत समर्पित थी। स्कूल होते ही वो प्रैक्टिस में लग जाती। एक दिन प्रैक्टिस के बीच में वे अपने लंबे बालों से परेशान हो रही थी। उन्होंने रैकेट नीचे रखा और पास की नाई की दुकान पर चली गई और कहा, भैया बाल काट दो। उस नाई ने इससे पहले तक केवल लड़कों के बाल काटे थे, सो छोटी किरण के भी बॉय कट बाल काट दिए। किरण बेदी कहती हैं कि आज भी मेरी वही स्टाइल है। ये बात है अमृतसर की, जहां लोग उन्हें मुड़ मुड़ के देखते थे, बहुत लोग कमेंट भी कसते थे, लेकिन किरण बेदी कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसी तरह 1970 में औरतें मोपेड नहीं चलाती थी, लेकिन किरण बेदी निर्भय थी। वे समझ गई थी कि कमेंट्स करने वाले केवल कमेंट्स करते रहेंगे। दोस्तों, आज भी भारत में ऐसे कई प्रांत, शहर और समाज हैं जहां ये बात अभी भी लोगों के गले नहीं उतरती कि एक औरत मर्द के बराबर खड़ी हो सकती है। किरण बेदी कहती हैं कि मैं उस समय पैदा हुई जब पढ़े लिखे लोग भी लड़कियों की पढ़ाई या खेल कूद में निवेश न करते हुए उनके दहेज के लिए पैसे बचाते थे। किरण बेदी साहिबा की किस्मत अच्छी रही कि उनके माता पिता की सोच समाज से संक्रमित नहीं हुई थी। उन्होंने चारों बेटियों को पढ़ाई और खेल में आगे बढ़ाया। किरण बेदी को अपने सफर में अपने जैसे प्रगतिशील सोच वाले लोग भी मिले। IPS बनने के बाद वे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉर्थ दिल्ली के अधीन नियुक्त हुई, जो उनसे कहते हैं कि IPS ऑफिसर बनने के बावजूद आपसे पुलिस डिपार्टमेंट में लोग ऑफिसर जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। सामने तो सब मैडम बोलेंगे, लेकिन पीछे तुम्हें सब छोकरी ही कहेंगे, क्योंकि तुम मर्दों की दुनिया में कदम जमा रही हो। तुम्हें खुद को सबसे बेहतर साबित करना होगा, तभी तुम ऑफिसर्स और कॉन्स्टेबलरी फोर्स का रेस्पेक्ट हासिल कर सकोगी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि किरण बेदी छोकरी से बन गई मैडम सर। एक शाम दिल्ली के सदर बाजार के पास वाली बस्ती में आग लग गई, जिससे इलाके में दंगा और मारपीट भड़क उठी। कुछ औरतें और बच्चे आग में फंसे हुए थे। किरण बेदी वहां पहुंची तो फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश में लगे हुए थे। वहां एक खाली हैंडपंप देखकर किरण बेदी ने हवलदार से बोला, इस हैंडपंप से पानी चलाओ। उन्होंने खुद को भिगोया और आग पार करते हुए बस्ती के अंदर घुस गई। किरण बेदी कहती हैं कि वो आग देखते ही मेरी पूरी टेनिस की ट्रेनिंग मेरी आंखों के सामने चल पड़ी। मेरा पूरा शरीर सक्रिय हो गया। जलते हुए घरों के अंदर उन्हें जो पहली महिला दिखी, उसे जोर से लप्पड़ मारा और कहा, बच्चा उठाओ और बाहर निकलो। और फिर किरण बेदी सब महिलाओं और बच्चों को लेकर बाहर आ गई। जब सीनियर ऑफिशियल्स ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो किरण बेदी कहती हैं कि आग देखकर बस मुझे इतना पता था कि मुझे लोगों को बचाना है, और मैं ऐसा कर गई। दोस्तों, जब भी हम खतरा या चुनौती देखते हैं तो हम लड़ना या भागने में से एक रिस्पॉन्स चुनते हैं। फाइट और फ्लाइट मोड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो बंदर से लेकर अभी तक हमारे दिमाग में कोडेड है। किरण बेदी हमेशा से फाइट चुनती आई है। वो कहती है कि अगर मैं पीछे हट जाती तो मैं कभी चैन से नहीं बैठ पाती। किरण बेदी ये भी कहती हैं कि बहादुरी और हिम्मत धीरे धीरे बढ़ती है। आपको हर दिन चुनना पड़ता है कि भागे या लड़े। किरण बेदी ने हमेशा एक ही ऑप्शन चुना, चीजों का सामना करना। जब आपका दिमाग हजारों बार एक ही प्रोसेस से गुजरता है तो वो न्यूरल सर्किट्स मजबूत हो जाते हैं। अगर आप सफल होते हैं तो डोपामीन भी रिलीज होता है, इसलिए आप आदतन चैलेंजेस से फाइट करने लगते हो और आपको इसमें मजा आने लगता है। अगली बार जब किरण बेदी ने फाइट चुना तो वो नेशनल न्यूज पर आ गई। 1978 ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हालात बिगड़ने लगे थे। देश में चारों तरफ गुस्सा और डर था, जिसका एंटी सोशल एलिमेंट्स फायदा उठाना चाहते थे। इंडिया गेट पे करीबन 700-800 प्रदर्शक पहुंच चुके थे। किरण बेदी अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। उनके ऑर्डर्स थे कि प्रदर्शन को तितर बितर करना है। जब हालात बिगड़े तब एक प्रदर्शक तलवार लेकर किरण बेदी की तरफ दौड़ पड़ा। पीछे उसके और साथी भी दौड़ने लगे। उस समय किरण बेदी के पास वाटर कैनन या टीयर गैस यूनिट नहीं थी। वे अकेले ही बांस का डंडा लेकर उन लोगों की तरफ दौड़ पड़ी। ये फोटो न्यूज़पेपर में छपा। देखते ही देखते किरण बेदी का नाम देश के घर घर में पहुंच गया। इसके बाद किरण बेदी को ट्रैफिक का DCP बनाया गया। उस समय ट्रैफिक रूल्स को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, तो किरण बेदी गलत तरीके से की गई पार्क्ड कार उठाने लगी। उनकी टीम में 6 क्रेन्स थी, तो लोगों ने उन्हें नाम दिया क्रेन बेदी। किरण बेदी कहती हैं कि अगर आप नो एक्सेप्शन रूल पर काम करते हो तो नियंत्रण और एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाता है। सबको कानून मानना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, चाहे वो गाड़ी PM की ही क्यों ना हो। किरण बेदी के ऑफिसर निर्मल सिंह ने गलत तरह से पार्क की हुई
पीएम की गाड़ी डीएचआई 18-17 को उठवा लिया। किरण बेदी कानून इंप्लीमेंट करने में कभी नहीं हिचकी, चाहे सामने इंसान कितना ही ताकतवर या इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो। जब डीआईजी को बुलाया गया और कहा गया कि आपकी ऑफिसर ने ऐसा किया है, तो डीआईजी साहब ने बोला कि मैं उससे कुछ नहीं कह सकता, उसने वही किया जो वो हमेशा करती है। किरण बेदी मैडम सर की पर्सनैलिटी को साइकोलॉजिस्ट नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं, क्योंकि ये लोग बाकियों के जैसे सोचना और दबे रहना पसंद नहीं करते और अपने आसपास बदलाव या रिफॉर्म लाते हैं। लेकिन आपको कीमत चुकानी पड़ती है। ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप सारे नियम खुद पर लागू करते हैं। आप खुद गुस्सैल, आलसी, कमजोर होकर दूसरों से बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप उम्मीद करते हो कि लोग बदलें, तो सबसे पहले ये जंग आपको खुद से लड़नी होगी। ऐसी ही एक अग्नि परीक्षा किरण बेदी मैडम सर का इंतजार कर रही थी। एक कॉलेज में वकील पैसे चुराते हुए पकड़ा गया। स्टूडेंट्स की कंप्लेंट पर एक ऑफिसर कॉलेज अरेस्ट करने के लिए पहुंचा। जब वो वकील 30,000 कोर्ट लाया गया, तब ऑफिसर ने उस वकील को हथकड़ी लगा रखी थी। जब दूसरे वकीलों ने ये देखा तो उन्होंने एक तमाशा खड़ा कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नियम था कि जब तक क्रिमिनल खतरनाक नहीं है या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर नहीं है, तब तक दोषी को हथकड़ी नहीं लगा सकते। किरण बेदी कहती है कि हमारे ऊपर 3 साल केस चला, ये मेरे स्टेमिना का परीक्षण था, क्योंकि किसी लॉयर को मेरा प्रतिनिधित्व करने नहीं दिया गया। एक तरफ थी किरण बेदी मैडम सर और दूसरी तरफ थी दिल्ली की लॉयर्स एसोसिएशन। वो चाहते थे कि ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा है। किरण बेदी कहती हैं कि इसके उलट ऑफिसर मैनुअल कहता है कि अगर ऑफिसर या कांस्टेबल ने किसी को अरेस्ट किया है और वो कस्टडी से भाग जाता है, तो ऑफिसर को डिसमिस कर दिया जाएगा। यह ऑफिसर बिना गाड़ी के गया था और वकील को बस में बिठाकर लाया था, इसलिए वकील को हथकड़ी में लाना जरूरी था। किरण बेदी कहती है कि यह मेरे ऊपर था कि मैं उस ऑफिसर को सस्पेंड करूं जो 58 साल का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, जिसे 2 साल बचे थे रिटायर होने में। उस समय किरण बेदी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थी। उन पर दबाव था कि अगर आप सस्पेंड नहीं करेंगी तो आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा और दूसरा कमिश्नर आकर उस ऑफिसर को सस्पेंड कर देगा। किरण बेदी कहती हैं कि मैं गलत नहीं होने दे सकती थी। मैं 3 सालों तक टिकी रही। मुझे हर दिन कोर्ट जाना पड़ता था। दिन में पुलिस ड्यूटी करती और रात में केस की तैयारी करती। लॉयर्स एसोसिएशन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन वो मुझे तोड़ नहीं पाए। आखिर में लॉयर्स के साथ उनकी दिक्कत तब खत्म हुई जब उन्हें नॉर्थ दिल्ली के डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिजोरम का डीआईजी बना दिया गया। बाकी अफसर शायद इस झंझट में नहीं पड़ते। डीसीपी की नौकरी और राजनीति की अराजकता ही काफ़ी होती है। लेकिन किरण बेदी मैडम सर ने नौकरी करते हुए न केवल केस लड़ा, लेकिन इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री यानी LLB भी पूरी की। इसके बाद मैडम सर की कुछ और पोस्टिंग्स हुई। फिर किरण बेदी को डायरेक्टर जनरल होमगार्ड बनाकर पुलिस एकेडमी में नए IPS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का चार्ज दिया गया। किरण बेदी कहती हैं कि कई लोग गलत कारणों से सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो सिक्योरिटी चाहते हैं और कुछ लोग पावर चाहते हैं, लेकिन इन लोगों में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का इंस्पिरेशन नहीं होता। ऐसे हालात में आप क्या करते हो? आप नए बैच को सबसे अच्छी ट्रेनिंग देते हो और उन्हें इंस्पायर करते हो। ये दो कोट्स किरण बेदी मैडम सर की शैली का चित्रण करते हैं। वे कहती हैं कि ऑफकोर्स आई लव चैलेंजेस, अगर संघर्ष नहीं होते तो मैं कभी ग्रो नहीं कर पाती। दूसरी बात, आई डू नॉट नीड रेस्ट, मुझे काम में मज़ा आता है, इसी में आराम मिलता है, एंड आई रेस्ट विथ माई गुड वर्क। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मोहम्मद अली के विचार भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।